आउज़ु बिल्लाही मिनश शैतान रजीम। अस्सलामुअलैकुम इकवाले सरीके मेरे तमाम प्यारे बहन और भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आपको खैर आफियत से रखे, आमीन। नाज़रीन, आज हमारे एक भाई का सवाल आया। वो कहते हैं कि बेडरूम के अलावा किचन में या बाथरूम में या कहीं और जिमा कर सकते हैं या नहीं। तो चलते हैं इस भाई के सवाल के जवाब की जानिब। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर क्लिक कर लें, शुक्रिया। इस सवाल का जवाब कुछ यूँ है कि मेरे भाई बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई मज़ायका नहीं। इसी तरह एक और सवाल आया, सवाल कुछ यूँ है कि बच्चे की पैदाइश के बाद बीवी का दूध पीना जायज़ है या नहीं, क्योंकि बीवी को बच्चे को फीड करवाना होता है पूरे 2 साल तक, या 2 साल के बाद बीवी का दूध पीना मियाँ के लिए जायज़ होगा या नहीं। तो चलते हैं इस सवाल के जवाब की जानिब। इस सवाल का जवाब ये है कि बीवी का दूध पीना जायज़ नहीं है। बीवी का दूध पीने से सख्ती से मना फरमाया है। इसी तरह एक और सवाल आया, सवाल ये है कि बीवी अपने शोहर के साथ हम बिस्तरी करने से इनकार कर दे तो क्या किया जाए। तो चलते हैं इस सवाल के जवाब की जानिब। इस सवाल का जवाब कुछ यूँ है कि अगर इनकार करने की कोई सही वजह नहीं है, जैसा कि हालत हैज में होना या बीमार होना, तो बीवी के लिए इनकार करना जायज़ नहीं है। इसी तरह हमारी एक बहन ने सवाल किया, वो कहती है कि हम लोग देहात में रहते हैं, देहात में पर्दे का इंतज़ाम नहीं यानी रिवाज नहीं, ज़्यादा खेती बाड़ी का काम है, इसीलिए औरतों को मर्दों के साथ काम करना पड़ता है और घर का काम भी करना पड़ता है, पानी भरना और इस्तेमाल की चीज़ें भी औरतों को खुद लाना पड़ती है और ये असर दराज से चल रहा है, और औरतें सर पर दुपट्टा ओढ़ कर बाहर निकलती हैं, इसके मुतालिक शरीयत का क्या हुक्म है। तो चलते हैं इस सवाल के जवाब की जानिब। इस सवाल का जवाब ये है कि मेरी बहन, पर्दा होना तो चाहिए क्योंकि ये शरी हुक्म है और ये पर्दा हमें पे फ़र्ज है। हमारे देहात में ये रिवाज नहीं तो ये शरीयत के खिलाफ है। शरण चीज़ों का पर्दा लाजमी है क्योंकि नापाक नज़रों से अपने चेहरे को पर्दा करना शरीयत का हुक्म है। अल्लाह पाक हमें दीन की समझ अता फरमाए और उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आपको खैर व आफियत से रखें,